दमोह रेलवे स्टेशन पर सागर से कटनी की ओर जा रही एक मालगाड़ी के चार पहियों का एक सेट अचानक मालगाड़ी के एक डिब्बे से नीचे से निकलकर दूसरे रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। इस हादसे में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस समय रेल यातायात बंद हो गया है। यदि रेल विभाग का कोई भी कर्मचारी दूसरे रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा होता तो उसे निश्चित ही जोखिम हो सकता था। घटना सुबह 8 बजे की है। अचानक ही मालगाड़ी के चार पहिए गाड़ी से निकलकर दूसरे ट्रैक पर पहुंच गए। इस हादसे में मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से नीचे उतर गया। रेल विभाग के अधिकारियों को खबर मिली तो सभी मौके पर पहुंचे हैं। अब मालगाड़ी के उस डिब्बे को पहिए लगाकर ट्रैक पर लाने का काम चल रहा है। इस हादसे के बाद सभी यात्री ट्रेन को भी रोक दिया गया है। फिलहाल रेलवे ट्रैफिक पूरी तरह बंद है। 2 घंटे का समय बीत गया है। अधिकारी कह रहे हैं कि करीब 2 घंटे और लगेंगे। सहायक स्टेशन मास्टर GD अग्रवाल ने बताया कि सुबह अचानक मालगाड़ी का डिब्बा ट्रैक से उतर गया और पहिए निकल गए, जिन्हें JCB की मदद से वापस लगाया जा रहा है। फिलहाल रेलवे ट्रैफिक बंद है, कुछ ही घंटे में सब ठीक हो जाएगा। मालगाड़ी के ट्रैक पर एक मवेशी मृत पड़ा है, जिसे लेकर यह माना जा रहा था कि मवेशी की टक्कर के कारण डिब्बे डिस्टर्ब हुए, लेकिन सहायक स्टेशन मास्टर अग्रवाल का कहना है कि मवेशी के टकराने से ऐसा नहीं हुआ है, अचानक डिब्बे पटरी से बाहर निकले हैं, जिससे हादसा हुआ है। ये बुलेट 645 थ्रू जा रही थी अपने पास से NKJ के लिए, और उसमें से ये इंजन से दूसरी बोगी का व्हील ट्रैक से नीचे हो गया है 8:10 पर, जो अब ट्रैक को भी फाल किए हुए है। लगभग कितने डिब्बे पटरी से उतरे होंगे? एक डिब्बा उतरा है पटरी से एक ही डिब्बा उतरा है, व्हील उतरा हुआ है बस। ट्रैफिक क्लियर होने में लगभग कितना समय लग सकता है? 1 घंटा करीब।